असल चीज है वरना संभव, और वो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवत भजन, विष्णु आराधना। वर्णाश्रम चारुवता पुरुषी न पर कुमार विष्णु आराधते न अन्य तत्रोष कारण। होल सिविलाइजेशन सभ्यता वैदिक सभ्यता है, इसका उद्देश्य है विष्णु आराधन, विष्णु आराधते। सही है, सही। बाकी मुश्किल है कि नते विदु साथ गति विष्णु, ये सब जानते नहीं जिसको साथ गति किधर होनी। माँ में वह शरण गत, ये साथ गति भगवान जैसे बोल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, ये साथ गति। तो इस शास्त्र में सब जगह में यही समझाया गया है कि रीच द गोल ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या। हाँ, वर्णाश्रम धर्म जो है इसका भी उद्देश्य वही है विष्णु आराध्यते तुम शाम नान तत्व कारण। विष्णु आराधन के लिए सामाजिक विभाग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और पारमार्थिक विभाग ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये इसका नाम है वर्णाश्रम का। तो वर्णाश्रम धर्म तो टूट गया सब है, नाम से है काम से नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विष्णु आराधन के लिए है, तो उद्देश्य विष्णु आराधन। अब वो वर्णाश्रम जो सिस्टम वो तो टूट गया है, वो फिर रिस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए शास्त्र सिद्धांत से चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन संकीर्तन परिवर्तन किया है, ये शास्त्र सिद्धांत है। कलो दोष निधि राजन ही अस्ति एको महान गुणम। कलयुग में भागवत द्वादश स्कंध में कलयुग का विवरण है सब। 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत लिखा गया था, उसमें भविष्य में क्या क्या होगा कलयुग में सब बताया गया। तो उस प्रसंग में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताया कि महाराज ये कलयुग है, ये दोष की निधि समुद्र, कहाँ तक इसको दोष और निर्दोष आप विश्लेषण करेंगे। समझ लीजिए एक दोष का समुद्र, केवल दोष ही दोष। तो इसमें एक महान गुण है, वो कलयुग के लिए विशेष करके, क्योंकि कलयुग में विशेष करके सब प्रतीत है। प्रतीत का कारण, प्रतीत बोलने का कारण यही है कि जो जीवन का जो उद्देश्य है वो भूलिया, वो केवल इंद्रिय तर्पण करने के लिए दिन भर परिश्रम कर रहे हैं, बाकी जीवन का उद्देश्य क्या है वो नहीं जानते। ये कलयुग का विशेष लक्षण, सबसे सब युग में यही बात है, ये भगवान को भूल जाते हैं और ये शरीर पालन करने के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं। तो आज नहीं, अनेक हजार वर्ष पहले यही लक्षण ऋषभ ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा ये जो शरीर है अयम शरीर, ये जो शरीर है नीलोक मनुष्य समाज, शरीर सभी को मिलता है, कुत्ता को भी मिलता है, गधा को भी मिलता है, बाकी ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना अयम देह, ये जो शरीर है
ना यार दियो दियो भाजा में निलों के मनुष्य समाज में जिसको सजी मिला है कष्टान कामान न अरहते कामान अरहते बिन भुजांग दे ये शरीर को दिन भर खाली परिश्रम में लगा देना और जीवन का उद्देश्य जो है विष्णु आराधन उसको भूल जाना ये उचित है। ये पाया बहुत दिन पहले समझा ना रहते क्योंकि ये जो शरीर का साधन आहार निद्रा भय मैथुन कुछ खाने को चाहिए कुछ सोने का जगह चाहिए आहार निद्रा और भय से कुछ व्यवस्था करनी चाहिए आहार निद्रा भय मैथुन आज स्त्री पुरुष का संभव तो ऋषभ कहते हैं ये सुअर भी करता है इसमें कोई बहादुरी नहीं है वीर भुजा विशेष करके बताया वीर भुजा वीर भुजा वीर का अर्थ होता है मैला और जो मैला खाने वाला जो है सुअर वो भी दिन भर परिश्रम करते हैं इसीलिए कहाँ खाने का चीज है कहाँ सोने का चीज है और कहाँ स्त्री संभव करने का व्यवस्था है और कहाँ भयभीत से बचना है इसके लिए नहीं ये तो जानवर भी करता है सुअर तक पका गया बिल्कुल तो किस लिए है तबो दिव्यम ये जो मनुष्य शरीर है तपस्या करने दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट तपो दिव्यम पुत्र का जीना सप्तम शुद्धे ये जो हमारा सत्ता है आई एम सबको जानते हैं आई एग्जिस्ट ये सत्ता शुद्ध गण की क्या अशुद्ध है क्या जरूर अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध है कि तुमको मरने पड़ता है भगवत गीता में भगवान साक्षात बताते हैं न हन्नते हन्नमाने शरीरे जीवात्मा जो है वो शरीर ध्वंस हो जाने से वो मरता नहीं न हन्नते अंतवत् देहा नित्य शोका शरीर न जो अंतवत् जो है जो नष्ट होने वाला है वो है शरीर और शरीर का अंदर में जो कि आत्मा है वो नष्ट होने वाला है तो शुद्धि तो सत्या ये जो सत्ता शुद्धि शुद्ध सत्व स्पिरिचुअल शुद्ध सत्व का अर्थ होता है स्पिरिचुअल ये जो सत्ता है ये शुद्ध नहीं है अशुद्ध है क्योंकि त्रिगुण प्रकृति क्रियमाणी गुण ही कर्माणी सर्वस्व ये शरीर यात्रा निर्वाह होता है प्रकृति प्रकृति गुण ही सतर तमा गुण इसका ऊपर चलता है जिसको सतगुण है उसका अच्छा शरीर मिलता है ब्राह्मण का शरीर मिलता है देवता का शरीर मिलता है रजगुण है क्षत्रिय का शरीर मिलता है इसी प्रकार सब सदगुण कारण अनुगुण संग सदसद जन्म जोनी है ये जो ऊंचा नीच शरीर सब मिलता है उसका क्या कारण है कारण अनुगुण संघर्ष ये जो प्रकृति का गुण है सतगुण रजगुण तमगुण जिसका साथ में संग करूंगा उसी प्रकार शरीर हमको मिलेगा कर्मणा दैव नेत्री न जंतर देह उपपत्ति तो विभिन्न प्रकार जो शरीर हम लोग को मिलता है इसका क्या कारण कारण गुण संघर्ष ये जो प्रकृति का गुण हम लोग संग करते हैं जैसा एक रोग होता है इन्फेक्शन आप जान करके और अजान करके कोई रोग का बीजाणु को अगर संसर्ग करेंगे तो वो रोग से आपको भोगने पड़ेगा इसी प्रकार कारण गुण संघर्ष जैसे जैसे गुण से हम संग करेंगे उसी प्रकार हमको शरीर मिलेगा तो शरीर चाहे ब्राह्मण का शरीर मिले
অর্থাৎ দীপ্তাকার শরীর মিলে আর চোখ কুটাকার শরীর মিলে আর নিজ শরীর মিলে অন্ত বক্তৃমি দেহা ये सब अंत होने वाला है। और भगवद गीता में शायद भगवान पहले ही बता रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति देही नस्मिन यथा देही कौमार यौवन मिरा तथा देहांतर प्राप्ति देहांतर होगा। अब किस प्रकार देहांतर होगा आगे जाके कि हमको क्या शरीर मिलेगा ये सब हम लोग नहीं जानते। यद्यपि शास्त्र में सब कुछ बताया गया है जो जैसा तुम शरीर चाहते हो ऐसा मिल जाएगा। इस प्रकार साधन करो जानती देव वृता देवान पितरी जानती पितरी वृता भूते जा जानती भूतानी मध्यागिनो भी जानती माम। यदि उच्च लोक में जाने चाहते हो सर्व लोक जन लोक महलोक कपलोक अनेक सब उच्च लोक है उधर भी जा सकते हो जानती देव व्रता देवान किसी लोग जा सकते हो पितरी जानती पितरी प्रथा भूत जा जानती भूतानी और यदि इधर ही रहने चाहते हो वो भी हो सकेगा। और मज्जाजिनो की जानती माँ और अगर भगवान में भगवान का पास जाने चाहते हो तो भगवत भजन कर लो। सब चीज खुला हुआ है जैसा हम लोग चाहते हैं जते छसी तथा भगवान अर्जुन को बताया कि तुमको हम सब बता दिया अब तुम इसको सोच करके विवेचन करके जैसा चाहते हो ऐसा करो। तो सब हमारा ही हाथ में है। हम देव लोग में जा सकता हूँ पृथ्वी लोग में जा सकता हूँ इधर भी रह सकता हूँ और यदि चाहे हम तो भगवान का पास जा सकता हूँ। ये सब चीज शास्त्र ने बताया किस तरह से जा सके हैं। तो वही चीज ऋषभ देव बता रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर मिला है ये जंक्शन है तुम जैसे चाहते हो आगे जाकर के मिलेगा क्योंकि देहांत तुम्हारा तो हो गई तथा देहांतर प्राप्ति धीर सतनमयति जो बुद्धिमान है धीर है वो बहुत जल्दी समझ जाता है जहां देहांतर होता है। जो महामूर्ख होता है वो देहांतर क्या समझता ही नहीं। आजकल ये एजुकेशन है महामूर्ख बड़े बड़े सब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महा महामूर्ख सब देहांतर समझते हैं। वो लोग कहते हैं स्वामी जी ये शरीर जब मिट जाता है सब मिट गया। बड़े बड़े लीडर लोग बड़े बड़े सब प्रोफेसर एजुकेशनिस्ट वो देहांतर क्या है नहीं समझते हैं। और भगवान स्वयं बता रहे हैं और उदाहरण भी दे रहे हैं कि कौमार यौवन मिरा यथा एक बालक है उसको जवान होना ही पड़ेगा देहांत वो बालक शरीर नहीं रहेगा उसको युवक का शरीर मिलेगा। अगर बालक अगर कहते हैं नहीं हम युवक नहीं होंगे तो वो कहने से क्या हुआ तो प्रकृति का नियम है होने पड़ेगा। और अगर युवक कोई कहते हैं हम बुढ़ा नहीं होंगे तो बोलने से क्या होगा होने ही पड़ेगा। तथा देहांतर प्राप्ति तुम बोलने से क्या होगा हम देहांतर नहीं होंगे मैं तो देह में सब शेष कर दे बोलने से नहीं होगा। प्रकृति क्यों मारा नहीं क्यों नहीं कर मारे सरोज अहंकार विमुरात्मा कट्टा हम इसी मन में जबरदस्ती बोलने से क्या छुट जाएगा नहीं ये संभव नहीं। तो ये सब आजकल एजुकेशन दिया जाता है कि देहांतर नहीं है परजन्म नहीं है पूर्व जन्म नहीं है और स्वर्ग नहीं है नरक नहीं है और अनेक प्रकार शास्त्र में जो सब बताया गया है उसको मानते ही नहीं तो क्या किया जाए। इतना मूर्ख हो गया ऐसा। और भगवान खुद बता रहे हैं जशास्त्र विधि मुसिद्ध वर्तते काम काल न सिद्धि सवामति जो शास्त्र सिद्धांत है उसको जो मानते नहीं अपना मनमाफी काम करते हैं उसको जीवन तो असफल होगा ही न सिद्धि सवामति और न सुखम सुख भी नहीं मिलेगा और परागति का तो बात ही छोड़ दी। ये सब चल रहा है इसलिए
हम लोग थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट में जो हमारा शास्त्र में जिस प्रकार लिखा है उसको ग्रहण किया जाए, जीवन को सुधारा जाए और आगे जाके हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है उसको सफल किया जाए। तो ये सब ऋषभ देव आज नहीं, बहुत दिन पहले यही चीज यही बताया जाता है कि देहांतर प्राप्ति और ये क्वेश्चन देहांतर क्यों है। देहांतर इसीलिए होता है कि सत्ता शुद्धि नहीं। जैसा कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको दुख भोगने पड़े। तो इस शास्त्र बताते हैं जहाँ आपने भौतिक शरीर ग्रहण किया आपको दुख भोगने पड़े। दुख अनेक प्रकार होता है, कुछ ना कुछ आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि असन्नपी क्लेश देहास देह, यद्यपि शरीर सब दिन के लिए नहीं है, जब तक ये शरीर रहेगा क्लेश देह दुख देगा। हम लोग सबको यही प्रयत्न करते हैं तो दुख निवृत्ति, इस तरह से दुख निवृत्ति तो दुख निवृत्ति क्या चीज है वो जानते ही नहीं हम। इसलिए भगवान साक्षात बताते हैं कि तुम्हारा जो असल दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तुम तात्कालिक सामयिक जो दुख निवृत्ति करते हो वो तो शरीर जो सुख मिला है वो शरीर का साथ साथ वो सब मिट जाए, फिर तुमको और एक शरीर लेने पड़ेगा अपना कर्म का अनुसार और उसका दुख भोगने पड़ेगा। तो यदि दुख से तात्कालिक दुख निवृत्ति यदि चाहते हो तो ये सत्ता का शुद्ध करो, उसके लिए तपस्या तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्ध है तो सत्या सत्ता शुद्धि कर। और वो सत्ता शुद्धि करने का मौका किस समय मिलता है, अयन देह निदेह निलोकी नायन देह देहो भाजांग निरूपी प्रस्थान काम आधारित। इस शरीर को जो इतना मूल्यवान शरीर है जिसमें कि तुम सब दुख को नष्ट कर सकते हो यही शरीर में, वो शरीर को ये सुअर कुत्ता का ऐसे लगा करके केवल भोजन और श्री संभाग और आहार निद्रा भय मृत्यु में और उसके लिए दिन भर तकलीफ करना ये उचित है। ये ऋषभ देव का उपदेश नायंग दीप दीप भाजांग निरोगे चाहिए कुछ, शरीर जब मिला है हमको कुछ खाने को चाहिए ये तो जरूरी बात है, और सोने का भी जगह चाहिए और इंद्रिय है उसको भी थोड़ा भोग चाहिए और वैसे भी किस तरह से निवृत्ति हो ये जरूरी है, बाकी इसी के लिए केवल जीवन है ये महामूर्खता है। जीवन का और कुछ उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, तपस्या दिव्यम दिव्य चीज लाभ करने के लिए तपस्या। इसलिए समाज का विभाजन है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो ब्राह्मण लग रहे है वो अपना जीवन में तपस्या किस तरह से करने होता है दिखाता है, समो दमो तिथिक्षा आज ज्ञानम विज्ञान मासिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव ब्राह्मण आइडियल लाइफ वो दिखाते हैं, दिखाकर सिखाते हैं। इसलिए ब्राह्मण शिक्षक है, गुरु है, शास्त्र में बताया गया है। और क्षत्रिय ब्राह्मण से उपदेश लेकर के प्रजा जिस तरह से जीवन यापन करने से उसको उपकार होगा ये क्षत्रिय का काम है, और वैश्य का काम है खाने का चीज सबको मिले उसको बंदोबस्त करें, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खाने का चीज मिल जाएगा कृषि कृषि कार्य करने से अन्न पैदा करने से। भगवान खुद भी बताते हैं अन्नाद भवंती भूतानी, खूब अन्न पैदा करो, खूब नहीं जितना जरूरत है अन्नाद भवंती भूतानी, और जन्नात अन्न संभव और अन्न तभी संभव होगा जब ठीक ठीक बरसात होगा। पर्जन्नात अन्न संभव
यज्ञा भवंती पर्जन्य और यदि यज्ञ करेंगे आप तो यथा समय आपको वृष्टि मिलेगी और जिसमें जमीन में आप अच्छी तरह से बड़ा सहज से अन्न पैदा कर सकेंगे। यज्ञा भवंती पर्जन्य पर्जन्या अन्न संभव, ये सब शास्त्र विधि है। सरल भाव से आपको खाने की चीज मिला और आनंद से रहा और बाकी समय जहां को मिला प्रपो दिव्यम तब सागर, ये सिविलाइजेशन ये सभ्यता। और ये सभ्यता नहीं है कि केवल सुअर का ऐसे दिन भर कहां गुहा है देखो जी देखो जी देखो, दिस इज नॉट सिविलाइजेशन। नायक देह दी हो आजांग निरोके कस्टार और उसके लिए दिन भर परिश्रम करना है। लाओ रुपया इदम अज्ञामाया लब्धम इदम प्राप्ति पुनर्धनम, ये जो आसुरिक सिविलाइजेशन है आपको इतना रुपया मिल गया है अब इतना और चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह से सारा जीवन स्वतः ऐसे परिश्रम करके केवल खाने सोने और संभोग करने के लिए ये जो सभ्यता है ये उचित नहीं है। कम से कम मनुष्य जीवन में ये उचित नहीं है, तपस्या करनी चाहिए। तपो दीपम और कलयुग में वो तपस्या बड़ा सरल, ये आप जो बता रहे थे कलयुग में तो दोष ही है, परंतु एक सुविधा वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्ण मुख्य सांग परंग, केवल भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करने से वो मुक्त सांग हो जाता। ये जो दोष है कलो दोष ने भी ये दोष से छुट्टी मिल जाती, निर्दोष हो जाता। ये चैतन्य महाप्रभु बता चेत दर्पण मार्जनम, दोष सब कहाँ है, ये सब हृदय में ही है। सब जितना दोष हमारा है डार्टी थिंग्स वो सब हमारा हृदय में, ये जो हरिकीर्तन है ये चैतन्य महाप्रभु समझा है। हरिकीर्तन करने से पहली जो बात है चेत दर्पण मार्जनम, ये जो चित्त है चित्त शुद्धि हो जाए। ये जो हम समझते हैं कि मैं ये हिंदू है ये मुसलमान है मैं इंडियन है मैं अमेरिकन है, ये सब क्या चीज है, ये सब उपाधि है। असल जो है हम अहम ब्रह्मास्मि, ये असल परिचय है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सूत थी सब शास्त्र में बताया गया, बड़ा सरल भाव से। तो इसके लिए परिश्रम करना चाहिए और उसके लिए थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। हम देखिए इसका प्रमाण स्वरूप ये जो यूरोप अमेरिका में सब ग्रहण कर रहे हैं उसके लिए कुछ तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या, चार चीज, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, चार। जैसा हम ये चौकी में बैठे हुए हैं इसको चार पहिया है, इसी प्रकार पापमय जीवन जो है उसको चार पहिया यही है, ये इलिसिट सेक्स और मांसाहारी भक्षण और जुआ खेलना और नशा भांग करना, बस ये कलयुग में यही चीज फैला हुआ है सारा दुनिया में, तो उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। बाकी तपस्या छोड़ने में हमारा तकलीफ होगा, बाकी तप का अर्थ होता है कि वॉलंटरीली थोड़ा तकलीफ सहन कर लेगा, उसका नाम है तपस्या। तपस्या ये नहीं है मैं देवता के रह गया और टेबल चेयर में बैठ करके सीधे फूकते फूकते तपस्या हो जाएगा, नहीं, तपस्या के लिए थोड़ा तकलीफ उठाना है। तो ये जो बालक लोग हैं ये जो तपस्या कर रहे हैं कि चार चीज छोड़ देना क्योंकि मर गया है, ये बचपन से वो बहुत जब शिशु रहता है उनका माता पिता इसको सिखाता है पाउडर वो मीट पाउडर उसको पानी में घोल करके उसको जबरदस्ती चमचा से खिलाए दिखाएगा, ये देखा गुपचरी का दोष में यह शुरू से सिखाया गया मांसाहारी भक्षण
पिता माता शराब पीता है और बच्चा बैठे है उसको सोडा वाटर लेमोनेड देता है, वो भी सीखे अभी शराब नहीं पी सकेगा तो थोड़ा सोडा वाटर पिए, मैं सीखता है सॉफ्ट ड्रिंकिंग जिसको बोला जाता है सॉफ्ट ड्रिंकिंग, तो उसको बेचारी को सिखाया जाता, वो जब भूल गया तब साकारने के लिए हमारा भारत दिए कितनी मुश्किल है, ताकि नहीं तपस्या नहीं करें, बाकी तपस्या करनी चाहिए, बिना तपस्या काम सफल नहीं, पहले तो बड़े बड़े ऋषि लोग मुनि लोग राजा लोग सब घर छोड़ करके जंगल में जा करके हजारों बार तपस्या करते थे, वो तो कलयुग युग में संभव ही आई, तो थोड़ी सी तपस्या है कि ये चार चीज छोड़ दो और भगवान का नाम कीर्तन करो, ये क्या मुश्किल है क्या, ये जरूर करनी चाहिए, यही हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट सारा दुनिया में प्रचार कर रहे हैं और वही चीज भारतवर्ष का ही है, आप लोग भी ग्रहण कीजिए, ये आश्रित जीवन यापन करने से कोई लाभ नहीं है, इधम अगम आया लब्धम इधम प्राप्त पुनर्धनम, आज इतना रुपया है फिर कल इतना रुपया हो जाएगा, फिर कल और परसों और कुछ हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, ये सब होते होते एक दिन जमरा जाएगा लाख मार के सब चीन छा लेकर के जाओ पुतला बनो, ये होता है तथा देहांतर प्राप्ति, जैसा कर्म करेंगे ऐसे शरीर मिलेगा, वो प्रकृति प्रकृति क्रियमाणी गुणी कर्माणी सर्वस्व, वो तो प्रकृति का हाथ में है, उस समय तो बड़ा साहब होने से कुछ काम नहीं चलेगा, उस समय बड़ा साहब प्रकृति है, तो बेटा तुम कुत्ता बनो, कुत्ता का तुमको मनुष्य जीवन दिया गया था उसको तुम व्यवहार नहीं किया, कुत्ता का ऐसे काम किया है, उसके द्वारा भगवत सेवा कृष्ण भवनम उषा कृष्ण सांग पांगा सुपाश विद्वेन संकीर्तन प्रागे जयंती सुमेर वैदिक शास्त्र में दो शब्द मिलता है, एक सुमेध शब्द और एक अल्पमेध, मेधा का अर्थ होता है ब्रेन सब्सटेंस, ब्रेन सब्सटेंस ज्यादा होने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है और ब्रेन सब्सटेंस कम होने से मूर्ख होता है, गधा होते हैं, तो दो शब्द आया एक अल्पमेध और एक सुमेध, भगवद गीता में है जो भगवान को छोड़ करके और इतर देवता को भी पूजा करते हैं तब भगवती अल्पमेध दशा, ये अल्पमेधा जिसका ब्रेन सब्सटेंस काम है, जैसे दुर्गा पूजा की, दुर्गा पूजा करने से बहुत ही लाभ होता है, जन्म देवी भगवती भाग्यांग देवी यशोद देवी ये सब मिलता है, दुर्गा पूजा करने से धन मिलता है, जश मिलता है, बहुत ही स्त्री मिलती है, ये शास्त्र में जो लिखा है ये अन्याय नहीं ठीक है, बाकी किसके लिए है, उसके लिए है जिसको मेधा कम उसके लिए, तन भवती अल्पमेध सन भवती अल्पमेध सन अल्पमेध है, समझ लीजिए आप घर में आए हैं बहुत खाते जा कर रहे हैं, आप जब जाएंगे आप दो 5,000 रुपया भी दिया, फिर ये सब में दिया
ये घर का बाहर में निकलने का पहले आपको जो कुछ दिया गया है सब छोटे अभी घर में बैठे हैं, आपको कुछ चंदा करके हमको 5-10 हजार रुपया दिया, अभी इस शर्त में दिया कि घर का बाहर मैं जाऊंगा 20 रुपया दूसरे, तो 2 रुपया अगर हम रिटर्न करें तो आपको मेरे चाहिए वो गाय ये जो हमको रुपया पैसा दिया और इस शर्त में लिया कि घर का बाहर जब जाए उसे सब छोड़ लेके हमारा क्या हो। ये बुद्धिमान जो है वो तो भाई ये 100 रुपया हमको लेके क्या हो, जब छीन लोगे घर के बाहर जाने का सवाल तो फिर हमारे लेने का कह दो जो लेता है वो अल्प में लेता है। इसी प्रकार अभी शरीर में हमको धन दौलत उत्तम श्री पुत्र इत्यादि सब कुछ मिला है, बस ये शरीर जब हम छोड़ेंगे सब सीखे मृत्यु सर्वहरश्च हम भगवान किताब बताते हैं। मृत्यु का अर्थ क्या होता है, जो कुछ तुम्हारी संपत्ति है जो कुछ बना है वो सब छीन ले, दूसरा एक शरीर को दिया जाएगा, उधर ये सब संपत्ति और धन और जो कुछ है उधर तुम ले नहीं पा सको, वो तो तुम्हारा कर्म का वैसा है जो शरीर मिलेगा विधा शरीर से तुमको भोग करने पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र भगवान खुद बताते हैं ये जो सब देवता से मांग लेना भौतिक संपत्ति किसके लिए है, तद भगवती अल्प उम्मीद और तो वक्त फलम देखा तद भगवती अल्प उम्मीद जो ये जो सब फल है ये अंत वक्त अंत हो जाएगा शरीर का साथ कुछ चीज तुम नहीं ले जा सकते, इसलिए ये चीज के लिए जो लालायित है उसको बताया गया अल्प उम्मीद और सुमेध सा उसका काम क्या है कि भगवान से संपर्क बना करके भगवान को समझ करके भगवान की सेवा में विलिप्त होकर के जीवन सफल है वो सुमेध उसका नाम है सुमेध। सुमेध सा जो है वो शरीर संदेह के बाद उसका बहुत लाभ है, क्या लाभ है सबका देहांग पुनर्जन्म नहीं, वो शरीर छोड़ करके किसी भौतिक शरीर ग्रहण नहीं तो क्या होता है मां नहीं थी भगवान के पास जाने होता चले जाने, तो भगवान के पास जाने के लिए भगवान का जैसा शरीर है वो शरीर मिलता है मैं शरीर तो इसलिए सब शास्त्र में यही बताया है तो तुम्हारा अंतिम जो आपकी गोल अपनाई है वो विष्णु भगवान शास्त्र ने ये सभी बताया है कि एक एक युग में कौन कौन भगवान का जो होता उसको पूजा करना सेवा करनी चाहिए, तो कलयुग के लिए ये बताया कलयुग ये कृष्ण वर्णम कृष्ण आकृष्ण भगवान कृष्ण स्वयं अवतार ग्रहण किए हैं जिसका शरीर का रंग अकृष्ण कृष्ण नहीं कृष्ण अवतार ने भगवान का शरीर कृष्ण बन और कलयुग में जो भगवान का अवतार है कृष्ण ही है बाकी उनका शरीर का जो रंग है अकृष्ण, तो अकृष्ण का अर्थ होता है जो कि कृष्ण नहीं है वो लाल भी हो सकता है सफेद भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है, ये सब भगवान का एक एक जीव में एक एक रंग होता है। वो गर्भ मुनि जब कृष्ण का गोष्ठी विचार कर रहा था उस समय बताया ये महाराज नंद महाराज ये जो आपका पुत्र है ये पहले शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्ण का
ये आपका पुत्र जन्म है। पहले पहले उनका कभी रक्त वर्ण सत्य युग में, कभी शुक्ल वर्ण, कभी प्रीत वर्ण, ये सब हो चुका है। अभी जो आपको आपका पास आए हैं संतान रूप में, ये कृष्ण जो कृष्ण का अर्थ होता है कि वो लाल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, पीत भी हो सकता है। बाकी कलयुग में ये जो गौरांग महापुरुष है ये सुवर्ण प्रीतमर्ण, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण वर्णम दिशा अकृष्ण, कृष्ण ही है परंतु चरित्र रंग से अकृष्ण है प्रीतमर्ण। और सांग पांगास पाचलम साथ में सब पार्षद लोग हैं, जैसे हम लोग गीत गाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य प्रभु भक्त, तो ये सब पार्षद है। इलेवन पैंट हो भागवत में ये सब वर्णन है, लेकिन युग का भगवान का क्या वर्ण होता ऐसा शरीर का फीचर ऐसा बता है। तो कलयुग में बताते हैं ये जो भगवान का रूप है अकृष्ण और साथ साथ में पार्षद कृष्ण वर्णम दिशा अकृष्ण सांग पांगास, ये जो भगवान का रूप है जगदई संकीर्तन जजंती सुमेध, ये जो भगवान का अवतार है इनको जो निधावान व्यक्ति है जिसका ब्रेन ठीक है, ब्रेन समझदार ठीक है, वो संकीर्तन जगत द्वारा भगवान मूर्ति पिताई हो ये मूर्ति रख करके और ये जैसा भी संकीर्तन किया ये जगत द्वारा पूजा करने से ही सेवा करने से ही भगवत सेवा पूर्ण इतना सरल। जो चैतन्य महाप्रभुताय जो और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आनंद पंच रत्न उनको तस्वीर दीजिए और घर गृहस्थ सब जितने मेंबर है ये कीर्तन कीजिए हरे कृष्ण भगवत सेवा, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल बहुत सरल। गीता गौर का तस्वीर रख लीजिए और मेंबर तो होता ही है घर में, बैठ के जैसा ही वकील कर दिया भगवत सेवा, ज्यादा झंझट करने का कोई जरूरत नहीं। अगर मंदिर करें ना करें अभी मंदिर कर सके तो कीजिए, जिसका बाद धर्म है वो तो सब धर्म भगवान की सेवा में लगे, बाकी जिसका बस कुछ नहीं है उनके लिए क्या मुश्किल है। एक चैतन्य महाप्रभु का तस्वीर रख करके और घर गृहस्थी संपाद करके हरे कृष्ण कीर्तन करे तो उसमें क्या नुकसान होता है, ताकि भगवान को मिले इतना ही कार्य से उसको भगवान को मिल जाए, ये करीब सुविधा। अगर आप भगवान को कुछ दे सके ना सके, भगवान तो माता न्याय नहीं भोगा हमारा है, बाकी भगवान को भक्ति से अगर कोई कुछ देता है तो भगवान खाते भक्तम पुष्पम फलम तो यम जो मी भक्त आप तदहम भक्ति उपरितम स्नामी प्रदिताप धनी है वो तो बहुत कुछ दे सकते हैं, जिसके पास कुछ है गरीब से गरीब तो उनके लिए भी भगवान बोलते नहीं कोई दुख की बात नहीं है, एक पत्ती ले आओ तो पत्ती बहुत मिल सकता है, और एक फूल ले आओ वो भी मिल सकता है, थोड़ा पानी ले आओ तो गरीब से गरीब इसको संग्रह कर सकता है। यदि आपको बगीचा में आकर के कोई गरीब बत्ती होते महाराज जी ये आपको हम लेता हूँ क्या करोगे, राम भगवान ले जाओ
सब कुछ बोल सकते, ऐसा कोई दोष नहीं है कि बोलेगा नहीं। अच्छा ऐसा बहुत भी है ये लोग अमेरिका, उनका बगीचा में बहुत सब पेड़ है और फल भी है, जब गिर गिर के जाएगा वो सड़ जाएगा वो भी ठीक है, कोई जाकर मांगे तो है कभी ना। वो होता है यही सुबह, ये गिर के सड़ जाता है सूख जाता है यही सुबह है। पत्रम पुष्पम फलम तो हम जो भी भक्त है प्रदेश सब कोई संग्रह कर सकते हैं और कहीं भी इन गौर निकाय का पिक्चर रख करके जो भी हो है, इसमें कोई एजुकेशन का जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा सारा दुनिया में बोलता है, उसके एबीसीडी सिखाया नहीं जाता, बल्कि बोलता है सब सुन के ही बोलता है। और अभी बच्चे लोग भिखारी नहीं सुनते, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये कलयुग का साधन है। जग गई संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेर, जो मेधावान होते हैं बुद्धिमान होते हैं, ये संकीर्तन जग द्वारा ये जो भगवान का अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य इनको सेवा करें। तो बस मैं वो सुनाऊंगी जग गई संकीर्तन प्राय जजंती ये सब कोई घर घर में कर सकते हैं। सेवा करने के लिए अपराध ही नहीं है, सारा कृष्ण सेवा में अपराध कर दीता है, सेवा अपराध। और जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु ये अपराध कर भक्ति किया उतना ही सभी पंचांग परो धर्म यथो भक्ति यथो खजी अभितुकी अप्रतिहता जया आत्मा सुप्रसिद्ध। कल ये श्लोक का व्याख्यान किया था कि परधर्म धर्म इंग्लिश डिक्शनरी में है, उसमें बोलता है कि ए फेथ ए काइंड ऑफ फेथ विश्वास। कोई बोलता हम हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, कोई बोलता हम मुसलमान धर्म में विश्वास करते हैं, बाकी धर्म तो साक्षात भगवत तो नहीं है। धर्म जो है वो भगवान का दिया हुआ है, जैसे भगवान का दिया हुआ ये दुनिया है, चंद्र है, सूर्य है, आकाश है, अनेक वस्तु भगवान दिया, तो उसमें आप बिलीव करें ना करें वो चीज रहेगा। इसी प्रकार असल जो धर्म है उसमें आप विश्वास करें या ना करें धर्म ही रहेगा। यू कैनॉट मैन्युफैक्चर, देयर इज नॉट पॉसिबल। जैसा राजा का कानून है वो आप विश्वास करें या ना करें आपको मानने पड़ेगा। आप अगर कहते हैं कि हम नहीं नहीं विश्वास करते, अभी जो ऑर्डिनेंस है हम इसमें विश्वास नहीं, आप ना कीजिए, बाकी आप गड़बड़ करेंगे तो फिर आपको सजा मिलेगा। इसी प्रकार यमराज वो सिक्स कैंटो में बताया है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदु री शयना देवा न विदु न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो न
विद्या धरुचार नाग ये जमराज एक्सप्लेन कर रहे हैं जमदूत का सामने वो जो अजामिल को ले नहीं जा सका जमराज का पार तो उस समय वो लोग जानते हैं जमराज धर्मराज है और ये अधार्मिक और इतना पाप किया था इसको माफी से हो गई क्या बात है तो धर्म का विषय पूछा तुम्हारा धर्म क्या चीज है तो उसका उत्तर में जमराज जी बताया था कि धर्मं तो साक्षात भगवत जो भगवान कह देते हैं वो धर्म है धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदु ऋषि बड़े बड़े ऋषि लोग जो है वो भी नहीं जानते धर्म से तत्ता निहितम गुहाया तो बड़े बड़े ऋषि लोग आप हम का बात तो छोड़ दीजिए तो बड़े बड़े सब ऋषि लोग है वो भी नहीं जानते नती विदु ऋषय नापि देवा और जो सब बड़े बड़े देवता लोग हैं ब्रह्मा लॉर्ड शिव और इंद्र चंद्र वरुण आदि बड़े बड़े सब देवता लोग वो भी नहीं जानते और कहते हैं न सिद्ध मुखिया बड़े बड़े साहब जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं उनका जो मुख है प्रधान प्रधान है वो भी नहीं जानते न सिद्ध मुखिया असुरा और असुर लोग जो है और ये मनुष्य है ये कोई भी नहीं जानता उस विद्या चारण आ गया और साधारण विद्या था चारण भी क्या सब समझेगा तो धर्म का जो तत्व है वो है जो भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको मालूम है इसलिए शास्त्र ने बताया है धर्म से तत्व निहितम गुहाया महाजन महाजन लोग जो धर्म को ग्रहण किया है जैसे बताए हैं वो धर्म है और वो महाजन कौन कौन है वो भी बता दिए हैं महाजन का नाम दिया है स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बली भैया सती भयम द्वादशी बिजानी मो धर्म भागवतम घटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम जम व्यता अमृतम अस्मृति अगर धर्म एक दफे कोई समझ गया जंग गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम समझना भी बड़ा मुश्किल है दुर्बोधम जंग ज्ञात्वा जिसको समझने से क्या लाभ होता है अमृतम स्मृति फिर वो उनका जो ये जो अवस्था है हम लोग का मृतम ये जो अभी जो अवस्था हम लोग का है ये मृत अवस्था ये जो शरीर है ये तो मृत है ही है इसमें जब तक वो आत्मा जीव शोर है तब तक चलता फिरता है असल में ये लंप ऑफ मैटर तो ये हमको प्राप्त करने पड़ता है भुत्ता भुत्ता प्रलीय एक शरीर हम लोग ग्रहण करते हैं फिर कुछ दिन के लिए उसमें लंप झंप करते हैं ये हमको शरीर मिल गया है भारतीय शरीर मिल गया अमेरिकन शरीर मिल गया और ऐसा कुत्ता भी समझता है हमको कुत्ता का समझ शरीर मिल गया बंदर भी समझता है तो शरीर में जिसमें आत्मज्ञान है वो कुत्ता बंदर का ऐसे ही समझ सब होकर
جسات بدھی گنپی تھا چکے سدھک لاشی بھومی جدھی جتی سبدھی سلیل نیچے جنیشو ابھیشو سیو گو. تو یہ شریر میں آتم بدھی جس کا ہے اور ایک دنیا چل رہا ہے وہ گوکر جانور. گو کا ارتھ ہوتا ہے گائے اور کھر کا ارتھ ہوتا ہے گدھا. سیو گوکر تو اس لیے واستوک دھرم کو جو سمجھ لیتا ہے جیسے ادھر بتایا ہے گوہم وشم وشدھ کا ارتھ ہوتا ہے کہ یہ بھوتک وستو نہیں. بھوتک وستو جو ہے یہ سب اشدھ ہے. اشدھ ہونے کا کارن یہ سب نشٹ ہو جاتا اور وشدھ کا ارتھ ہوتا ہے جو نشٹ ہونے والا ہے آتما. نہ ہنتے ہنوانے شریر وہ شدھ شریر شدھ نہیں ہے. شریر کو شدھ کرنے کے لیے ہی دھرم آچرن کرنے پڑتا. اس لیے ویبھن دھرم یہ جو بناشرم دھرم اس کو دھرم کہا جاتا ہے کہ براہمن کھتری ویشیہ شودر برمچاری گرہستھ بانپرستھ. کیونکہ ہم لوگ سب ابھی اشدھ اوستھا میں ہیں تو اس کو نیمت کرنے کے لیے وشدھ اوستھا میں جانے کے لیے یہ جو وبھاجن ہے یہ اوشیہ ضرور ہے. اس کو چھوڑنے سے پھر وہ اشدھ ہی رہ جاتا ہے وشدھ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمارا ویدک سب بتا رہے ہیں جو بناشرم دھرم ہے اس کو پالن کرنا یہی منشیہ جیون کا پرارمبھک کارج ہے. اور بناشرم جو سمجھتا نہیں اور اس کے لیے جو پریتن نہیں کرتا ہے وہ اشدھ ہی رہ جاتا ہے. اس کو جنم جنمانتر وہ ایک شریر چھوڑ کر کے اور ایک شریر لینا اور پھر کچھ دن کام کرنا پھر مر جانا پھر ایک شریر لینا یہ آواگمن ریسائکل آف برتھ اینڈ ڈیتھ وہی اشدھ اوستھا. تو شاستر نے اس لیے بتایا ہے کپو دیبنگ پتر کا جین اشدھے تو سکتا. منشیہ جیون جو ہے وہ ستا شدھ کرنے کے لیے. یہ نہیں جو کبھی بندہ کا شریر ملا کبھی دیوتا کا شریر ملا اور لمپ جمپ کیا اور مر گیا پھر ایک شریر ملا یہ منشیہ جیون کا نہیں. ارتھات برہم جگیاسا برہم وستو کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے منشیہ جیون ہے. اس لیے رشبھ دیو بتایا ہے کہ اپنا پتر کو اپدیش جب دے رہا تھا وہ ریٹائر ہونے کا پہلے ان کے سو پتر تھے اس میں سب کو اپدیش دے رہا تھا مہاراج رشبھ دیو. اس میں ہی بتایا جو بیٹا ایانگ دیہ نایانگ دیہ دیہ بھاجانگ نلو کے کشٹان کامان ارہتی بھی رونا. جو پتر یہ جو شریر ہے آئے گا دیکھا نیلو کے منشیہ سماج میں شریر تو سب کو ملتا ہے. کتا کو بھی ملتا ہے بندر کو بھی ملتا ہے منشیہ کو بھی ملتا ہے پیڑ کو بھی ملتا ہے اور مکھی کو بھی ملتا ہے سب کو ملتا ہے شریر. باقی یہ جو شریر ہے وشیش کر منشیہ شریر آئے گا دیکھا نیلو کے منشیہ سماج میں منشیہ لوگ میں جو شریر ملا ہے نائنگ دیہ دیہ آنگ نلو کے کشٹان کامان ارہتی. کیول اندریہ ترپن کرنے کے لیے کشٹ کرنا تکلیف اٹھانا نہ ارہتی یہ چیز ہے. یہ آج کل کا جو سبھیتا ہے ابھی تک وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہارڈ لیبر آج کل ہوتا نہیں ہے.
चाहेंगे। अब देखिए मनुष्य जो है वो ठेला ठेलने को शुरू किया, रिक्शा चलाने शुरू किया, और भी इसको हार्ट लेवल ये जिक्र जो ये ठेला ठेलना रिक्शा चलाने के मनुष्य का काम है, गधा का काम है, जानवर का काम है, मनुष्य का इतना नीचे ले आया, फिर ही बताते और भी परिश्रम और देखिए क्या सिविलाइजेशन है, चाहे वो गो करा सब गधा सुअर का सिविलाइजेशन है। और शास्त्री बोला ये सुअर का सिविलाइजेशन है। सुअर का सिविलाइजेशन क्या है? न दिन भर परिश्रम करना और गु खाना, बस कहां गु है कहां गु है, दिन भर परिश्रम करके और जहां गु मिला खूब खाया खूब तगड़ा हुआ फिर सेक्स। इसलिए मना करते हैं जीव अत्यंत परिश्रम करके और इंद्रिय तर्पण करना ये मनुष्य शरीर का काम नहीं है। नायंग देव देव भाजांग निरोगे कष्टान कामान अर्हते बिर भुजांग, ये तो सुअर का सिविलाइजेशन, कोई मनुष्य का सिविलाइजेशन है? मनुष्य का सिविलाइजेशन है कि उनको विशुद्ध करना, धर्मं विशुद्धं शुद्धं गुह्यं विशुद्धं दुर्बोध है तो मुश्किल समझना, ताकि शरीर को शुद्ध करना यही एकमात्र काम है। तपो दीपं पुत्र का जीन शुद्धि तो सत्ता जस्मात ब्रह्म सुखम अनंतम, सुख जो चाहते हो ये तो दुनिया में है नहीं, सुख आता है अनंत सुख, जो सुख का नाश नहीं होता उसका नाम है सुख। रमन्ते योगिना अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्म इति अभिधीयते। ये राम का अर्थ व्याख्यान किया, जो राम का अर्थ होता है कि अनंत सुख में रमन करना, ये सब शास्त्र है। तो दमराज भी होता है कि विशुद्ध करने के लिए, सत्ता को शुद्ध करने के लिए विशुद्धम जो धर्म है दुर्बोधम, यद्यपि समझना बहुत मुश्किल है कठिन है दुर्बोधम, बाकी एक दफे अगर आप समझ जाए वास्तविक धर्म क्या चीज है तो क्या लाभ होता है? जंग व्याख्या अमृतम अस्मृति, फिर उसको अमृत तला हो जाना, इसका नाम धर्म है। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं आकर के जदा जदा ही धर्म सग्लानी भवती, भगवान कब आते हैं? जदा जदा ही धर्म सग्लानी भवती, ये जो धर्म है विशुद्ध अमृतम स्मृत, इसको समझते नहीं कांड शांड इधर उधर का सद्भर्म बना,